टिकट नहीं मिली हमारे एजाज भैया को महापौर को और उनको टिकट चाहिए। कोरोना काल में उन्होंने लोगों की जान बचाई, 4 दिन में 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया। सफाई के चाहने वालों की भीड़ है, भाई ने एक बहुत अच्छा काम किया है, कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहे है। इस कर्मठ इंसान को उसकी मेहनत का फल देना जरूरी है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में जो है चुनावी माहौल है, प्रत्याशियों के नाम जारी किए जा रहे हैं, उसी कड़ी में जिन पर प्रत्याशियों का टिकट कटा है उसको लेकर लगातार विरोध है। आज एजाज ढेबर महापौर के टिकट कटने को लेकर समर्थक नाराज हैं और उसके विरोध में जो है लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उनके समर्थकों के द्वारा। क्या है पूरा मामला दीदी? भैया ये टिकट नहीं मिली हमारे एजाज भैया को महापौर को और उनको टिकट चाहिए। अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग यही जा रहे हैं, पूरा चक्का जाम करेंगे जब तक कि भैया को टिकट नहीं मिलेगी। अच्छा, इनका कहना है कि चक्का जाम किया जाएगा एजाज ढेबर के समर्थकों का, हमारे बीच भाई साहब मौजूद है, क्या कहते हैं? देखिए कोई चक्का जाम किया नहीं जाएगा, यहाँ सिर्फ एक बंगले में भीड़ है, ये सब भाई के चाहने वालों की भीड़ है, भाई ने एक बहुत अच्छा काम किया है, कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहे है। हम लोग बंगले से अपनी भीड़ को वापस निकाल रहे है, पुलिस भी मौजूद है और आप लोग देख सकते हो टिकट क्यों नहीं मिली, इतना अच्छा काम किए है, इतने अच्छे महापौर रहे, इससे अच्छा महापौर आज तक के कोई नहीं मिला है जो इतना काम किया होगा, ठीक है। और आप भीड़ देख सकते हो, आप कैमरे में देखिए। अच्छा ये बताइए, अभी जो प्रत्याशी को टिकट दिया गया है महापौर की जगह, उनको काम को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं हमारे भाई महापौर एजाज ढेबर जी के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। अच्छा, उनको टिकट मिलना ही चाहिए, उनको टिकट मिलना चाहिए। इनका कहना है कि जो एजाज ढेबर है उनको टिकट मिलना ही चाहिए था। लगातार आप भीड़ देख सकते हैं आप तस्वीरों में, जो है एजाज ढेबर के समर्थक जो है लगातार जो है आक्रोश नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि एजाज ढेबर जो है उन काबिल थे विधायक बनने के लिए और उन्हें टिकट मिलना ही चाहिए था। इनका कहना है कि जो है उनके बंगले तक जाकर जो है वापिस आज आया जाएगा। इसके पश्चात और भी आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से जो है समर्थकों का हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है एजाज ढेबर के समर्थकों को लेकर। ये भाई साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ मामला है पूरा? देखिए हम लोग की जो पुरानी परंपरा रही है रायपुर शहर में, जितने भी पुराने महापौर हुए हैं पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। अच्छा। हम चाहते हैं महापौर एजाज ढेबर जी ने भी महापौर रहते हुए रायपुर शहर में जो विकास की गति दिया, कोरोना काल में उन्होंने लोगों की जान बचाई, 4 दिन में 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया, तो हम ये चाहते हैं कि इस बार उनको एक बार रायपुर में, अभी उत्तर की सीट बची हुई है, अगर उसमें भी उनको प्रत्याशी बनाया जाता है तो हम उनका समर्थन करेंगे और हमने इसी मांग को लेके आए हैं कि एक बार उनको विधायक का टिकट मिलना चाहिए। इस कर्मठ इंसान को उसकी मेहनत का फल देना जरूरी है, ये अगर उसको नहीं दिया जाता तो ये सारे कार्यकर्ताओं के साथ, निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ छल होगा। उसने बहुत मेहनत किया है, हम सब उसके लिए है जी जान से लगे हुए हैं, उनको जरूर मिलेगी टिकट और हम भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं। लेकिन अब तो टिकट का ऐलान हो चुका है सर, अब क्या कुछ इसमें गुंजाइश है? उत्तर बाकी है। अच्छा। उत्तर बाकी है। शहर से उसने, वो महापौर रायपुर का है जी, उसके चारों सीट उसके अंडर पे आती है, आप जहाँ से दें वो सक्षम है जीतने के लिए, उसने इतना काम किया कि जनता उसके साथ स्वतः लगेगी, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसे काम बोल रहे हो, काम के कारण उसको टिकट मिलनी चाहिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एजाज ढेबर के समर्थक जो है निकल चुके हैं, कहाँ तक जा रहे हैं दीदी आप लोग? हम ये मंदिर तक जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग प्रार्थना भी करेंगे कि हमारे माननीय महापौर जी जिन्होंने बहुत काम किया हुआ है और वो बेस्ट कैंडिडेट है, उन्हें टिकट मिलना चाहिए। कौन से सीट के लिए? अभी हम ये उत्तर के लिए कर रहे हैं, हम उन सभी उनके समर्थन में आए हैं कि उनको टिकट दिया जाए। आप मैं यही कहूंगी कि हमारे जो महापौर जी एजाज भाई, उन्होंने 20 साल अपनी पार्टी के लिए संघर्ष किया है और हम चाहेंगे कि हम उनको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तर की जो टिकट है वो हमारे भाई को मिले। वो हर वर्ग हर जाति के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा काम करते हैं, तो वो डिजर्व करते हैं उत्तर की टिकट सीट के लिए।
देख सकते हैं निश्चित तौर पर इनका कहना है कि एजाज ढेबर जो है को टिकट मिलना ही चाहिए और इनकी मांग है कि उत्तर विधानसभा सीट को लेकर जो है टिकट का फैसला बाकी है तो उत्तर विधानसभा सीट को लेकर टिकट को सीट में जो है टिकट उनको मिलना चाहिए। इस प्रकार से इनका कहना है कि लगातार जो है महापौर ने अच्छे काम किए हैं लोगों के हित के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि इन समर्थकों की बात सुनी जाएगी या फिर जो है टिकट यूं ही जाया चला जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक पटेल के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर छत्तीसगढ़।